हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अंदर से नर्वस रहते हुए भी ऊपर से कॉन्फिडेंट कैसे लगा जाए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप अपने हाथ अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, आपके हैंड मूवमेंट स्ट्रांग रहेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं लेकिन आप अपने हाथ सही से इस्तेमाल करना सीख लें, उन्हें स्ट्रांग मूवमेंट्स, फर्म मूवमेंट्स देना सीख लें, से आपकी बॉडी लैंग्वेज पर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आप कॉन्फिडेंट लगने लगेंगे, बावजूद इसके कि आप अंदर से नर्वस हैं। और ये कॉन्फिडेंस कुछ ही देर में रियल बन जाएगी। हम देखेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग में हाथ इस्तेमाल कैसे नहीं करने हैं। हाथ से बात करने के कुछ फायदे हैं कि आप इंटरेस्टिंग लगेंगे, इंटरेस्टिंग साउंड करेंगे और आप काम रहेंगे। हाथ से बात करना आपकी सोचने में मदद करेगा। और सबसे ज़रूरी बात, हाथ का सही से इस्तेमाल करके आप बहुत कॉन्फिडेंट लगने लगेंगे। हमारे फिंगर्स के बीच में हल्का सा गैप हो, हल्का सा, और थोड़े से कर्ल हो। एंड फर्म रखें, स्ट्रांग रखें, विगली नहीं रखें। अपने रिप्स को लगा कर मत रखें, अपने बॉडी से थोड़ा सा दूर रखें। और सबसे ज़रूरी बात, आप जो कह रहे हैं उससे आपके हैंड मूवमेंट्स मैच होने चाहिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।